आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन से यूपी 112 के पीआरवी वाहनों की तिरंगा रैली निकाली, जिसका शुभारंभ एडीजी जोन अखिल कुमार ने तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया, जो कि तेनुआ प्लाजा पर जाकर समाप्त हो गया। इस रैली में यूपी 112 की 17 चार पहिया पीआरवी वाहन व 6 दो पहिया पीआरवी वाहन शामिल रहे। तेंदुआ टोल प्लाजा पर जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर मार्च पास्ट कर तिरंगा रैली का समापन किया गया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि पीआरवी 112 के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया है, जो तेंदुआ टोल प्लाजा पर जाकर समाप्त हुआ। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत यह सभी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। 112 का कार्य बहुत ही सराहनीय है, जो किसी भी घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुँचती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की रिस्पांस टीम है, उसकी आज भव्य यात्रा निकाली गई है, भव्य रूट मार्च निकाला गया है। समस्त जो 112 की गाड़ियां हैं वो एक निर्धारित मार्ग में होते हुए गीरा टोल प्लाजा पे जाएगी, जहां राष्ट्रध्वज का ध्वजारोहण भी होगा। एक जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हम लोग बड़े खुशी से बड़े भव्य रूप से मना रहे हैं। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त जिलों में ये कार्यक्रम किया गया। हर जिले में एक 112 की रिस्पांस टीम्स की आज रूट मार्च निकाली गई है। 112 जो हमारी रिस्पांस टीम्स हैं, इनका बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो पुलिस को क्लियर मैंडेट मिला हुआ है, उसके क्रम में
हम लोग ग्राउंड रेस्पॉन्सेस बहुत अच्छा दे पा रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जय हिंद।